नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। नगर के मोहल्ला शुक्लाना निवासी एयरफोर्स जवान आदर्श शुक्ला की बीमारी के चलते कोलकाता स्थित वायुसेना के अस्पताल में मौत हो गई। आज मंगलवार को एयरफोर्स के वाहन से जवान का शव यहां उनके आवास लाया गया। शव आते ही जहां नगर में शोक की लहर दौड़ गई, वहीं परिजन दहाड़े मार कर रोने लगे। मोहल्ला शुक्लाना निवासी गोपी शंकर शुक्ला का इकलौता पुत्र आदर्श शुक्ला वर्ष 2015 में एयरफोर्स में भर्ती हुआ था। उसकी पहली पोस्टिंग बेंगलुरु में हुई थी। वर्तमान समय में यूनिट 507 SUP में CPL रैंक पर झारखंड प्रांत के सिघरसी पाकुड़ एयरफोर्स स्टेशन में तैनात था। करीब एक माह पूर्व आदर्श शुक्ला अचानक बीमार हुए। अधिकारियों ने उन्हें वायुसेना कमांड हॉस्पिटल कोलकाता में भर्ती कराया, जहां बीते रविवार की रात एयरफोर्स जवान की इलाज के दौरान अचानक मौत हो गई। वायुसेना जवान का शव कोलकाता से विमान के जरिए लखनऊ हवाई अड्डे पर लाया गया, जहां से एयरफोर्स के जवान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में लिपटा कर शव वायुसेना के वाहन से यहां उनके निज आवास मोहल्ला शुक्लाना लाए। शव यहां लाए जाते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई और नागरिक गहरे शोक में डूब गए। वायुसेना जवान आदर्श शुक्ला का विवाह कल्याणपुर कानपुर निवासी दिव्यांशी के साथ वर्ष 2020 में हुआ था। उसके 1.5 वर्षीय पुत्री नव्या है। शव देखते ही पत्नी दिव्यांशी मां मंजुल शुक्ला, अविवाहित बहन कुमारी वंशिका तथा पिता गोपी शंकर शुक्ला फफक फफक कर रोने लगे। मोहल्ला शुक्लाना स्थित आवास पर अंतिम दर्शन के बाद नम आंखों के बीच वायुसेना जवान की शव यात्रा शुरू हुई। अर्थी को एयरफोर्स के जवानों के अलावा परिजनों और नागरिकों ने भी कंधा दिया। शव यात्रा में परिजनों और रिश्तेदारों के अलावा नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ी। वायुसेना के वाहन से ही जवान का शव क्षेत्र के नाना मऊ गंगा तट पर ले जाया गया, जहाँ वारंट ऑफिसर राम लखन के नेतृत्व में वायुसेना के जवानों ने आधुनिक शस्त्रों से दिवंगत जवान को सलामी दी। सलामी के पूर्व वायुसेना जवानों ने दिवंगत एयरपोर्ट कर्मी के पिता गोपी शंकर शुक्ला को राष्ट्रीय ध्वज भेंट किया। तत्पश्चात पिता ने अपने दिवंगत पुत्र को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत कटियार, बांगरमऊ चेयरमैन रामजी गुप्ता, भाजपा नेता बालाराव गुप्ता, प्रदीप सोनी, सुधीर कुमार मिश्रा, सिद्धू आदि सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। रिपोर्ट जमीर खान। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।